हेलो दोस्तों, तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। ये इकलौता ऐसा पार्क है जो एक पर्टिकुलर थीम पे बना है, तो मैंने और हर्ष ने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं। प्लस मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग आए हुए थे, तो हमने कहा चलो साथ में चलते हैं, देख के आते हैं कि ऐसा क्या है इस जगह में। तो आप लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से तैयार होने, मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रखे हैं। तो जितने में मेरे बाल सूख रहे हैं, मैंने सोचा इतने में बाकी का रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का हाइड्रोजेल एलियन सनस्क्रीन। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है स्पेशली इंडियन वेदर के लिए, इंडियन स्किन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। प्लस ये बहुत जल्दी जो है हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इसका सबसे बढ़िया पार्ट है। इसके अंदर एलोवेरा है, रेस्पबेरी है। एलोवेरा की प्रॉपर्टीज पता ही है आपको, सूदिंग होता है, हाइड्रेटिंग होता है स्किन के लिए। सिमिलरली रेस्पबेरी भी एज एन इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए। तो इसके अंदर दोनों ही अच्छे सनस्क्रीन हैं, यूवीए यूवीबी रेज से हमें प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर जो SPF है 50 है, ये जो PA होता है ना, PA++++ है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन है, बहुत पावरफुल है। जब से मैंने सनस्क्रीन को एक रिलीजियसली फॉलो करना शुरू किया ना, मेरी स्किन बहुत इम्प्रूव हो गई है। मुझे ऐसा लगता है काश स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे हमें पेरेंट्स ने बताया होता कि भाई सनस्क्रीन यूज़ करो। देख रहे हो एकदम से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, मॉइस्चराइजर के तरह मेकअप करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती। मामा अर्थ एज अ ब्रांड अगर हम बात करें तो मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। इनके जो सारे ही प्रोडक्ट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड आर ऑल नेचुरल, एंड दैट्स वाई आई लव देयर प्रोडक्ट्स। स्पेशली इनका सनस्क्रीन, इनके लिपस्टिक, इनका सिरम, फाउंडेशन, ओ माय गॉड, वो तो मेरे फेवरेट हो चुके हैं। आपने ओवर एंड ओवर अगेन उन्हें मेरे वीडियोज़ में देखा होगा व्हेनेवर आई एम गेटिंग रेडी, एंड यस द मस्कारा, लव इट। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिल जाते हैं। आजकल मैं जिस भी स्टोर में जाती हूँ या केमिस्ट की शॉप पे जाती हूँ, वहाँ पे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स होते ही होते हैं। उसके अलावा आप चाहो तो ऑनलाइन खरीद सकते हो फ्रॉम मामा अर्थ वेबसाइट, नायका, अमेजोन, पर्पल, फ्लिपकार्ट, मतलब सारी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ऑल्सो नाउ मामा अर्थ हैज लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप वेयर यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू द सेल एंड कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एज वेल। प्लस इफ यू आर लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर वंडरफुल प्रोडक्ट, देन यू कैन यूज माई कोड। एक्स्ट्रा डिस्काउंट सबको पसंद है, सो गो ट्राई SOM2023 मेरा कोड है, आप जाके ट्राई कर सकते हो। मामा अर्थ की वेबसाइट पे 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है सभी प्रोडक्ट्स पे। सारे ही लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। ऐप का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो गो एंड चेक आउट। अभी नहीं, वीडियो के बाद में। Few moments later, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये कभी नानी को अकेले वॉक नहीं करने देती, हमेशा हाथ पकड़ के चलती है नानी का। पहले हम जा रहे हैं मामी के घर, हमारी मामा है, उनसे मिलने का बड़े दिन से प्लान बना रहे थे। आज हम सब इकट्ठे हुए और वो हमारे घर से थोड़ा पास में रहते हैं। पता है यार वो जो क्रोकोडाइल वाली फिल्म है, जो रेखा का मुख आ जाता है, माँ का है शायद, नहीं एक बढ़िया परिवार, एक गाना बहुत अच्छा गाना है, उसके दो तीन वर्जन है और एक और गाना भी है, जिंदगी यो ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए हैं। माँ के साथ आएंगे, खाना लग रहा है, हमारा बच्चा खाना देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है। वाह, फूड इज गॉट अ कम, फूड इज गॉट अ कम।
जहाँ घर की बेटी और बहुए खाना लाते हैं। दामाद जी खाने का इंतजार करते हैं और बड़ी माँ सिखाती है कि किसको क्या करना है। और संजय जी आप क्या काम कर रहे हैं? प्याज पन्नी में से निकाल रहे हैं। ये भी नानी क्या पी रही है? What is that? Raita. अरे आज मैं दिखाऊंगी मैं अपने भाई से कितना सच्चा प्रेम करती हूँ। इतना रायता क्यों पीता है? इतना रायता पीने की लैंडेड चल रहा है लैंडेड। नानी और सखी हमने मना ली थी। बाय। तो अब मम्मी और ये सब लोग जा रहे हैं वापस अपने घर और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। ये लोग हमारे साथ बेसिक पार्क में नहीं आ रहे हैं। वो हम आ गए हैं वेद वन। वेद वन जो है नोएडा में है। जो भी एड्रेस और लोकेशन डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है देखने के लिए, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। मुझे एक चीज़ बताया कि लेज़र शो होता है एक, बहुत अच्छा होता है, उसकी मैंने वीडियोज ही देखी हैं। आज हम एक्चुअली देखेंगे जो कि 8 बजे होता है। नो 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 नो, बी केयरफुल ओके। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही है तो हमने सोचा वो जो लेजर शो है उसके लिए सीट अभी से ले ले, बाकी का पार्क हम बाद में घूम लेंगे। देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी नया नया शुरू हुआ है तो आई थिंक काफी लोग अट्रैक्टेड है अभी यहाँ पे। मेन चीज़ जो इस पार्क के बारे में है, जैसा कि इसका नाम है वेद वन, तो ये जो हमारे वेद हैं जो उपनिषद हैं उनके बेसिस पे बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल शेयर की गई है। हमारे बहुत सारे महान महान ऋषि रहे हैं, जैसे ऋषि अगस्त्य, महर्षि भारद्वाज, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमने जो अपनी रामायण वाली सीरीज़ की थी उनमें हमने उनके बारे में बताया है। बट ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे वेदों के बारे में, हमारे महर्षि के बारे में सब तक पहुँचाने का। जैसा कि मैं यहाँ जितना पार्क में घूम रही हूँ उतना ऋषियों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। जो समुद्र मंथन था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव बट एक प्रॉब्लम है हमारे देश के लोगों में, जैसे ये पार्क इतना अच्छे से बनाया गया है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे ओपन रखी गई है, तो लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इन चीज़ों को तरीके से यूज़ करें। कोई जाके महर्षि के गोद में बैठ रहा है, बच्चे चप्पल ले लेके उनके सर पे बैठने को तैयार हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं उनकी बद्दी पे बैठ के, मतलब दिस इज़ वेरी अनोइंग। मैंने उनकी वीडियो कैप्चर नहीं की आपको दिखाने के लिए बट मैं देख पा रही हूँ, अगर वो हाथ बना हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो पेरेंट्स को ये नहीं है कि हम समझाएं बच्चों को कि इसमें क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। उनके साथ खड़े होकर बस फोटो खिंचवाओ, बेटा गोद में बैठ जाओ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अब यहाँ पर भी ना फेंसिंग करनी पड़ेगी अगर लोग ऐसे ही करते रहे तो। देखा आपने? मैंने ओम देखा। और राम जी को देखा? है ना, वाटर शो था ना, कितना अच्छा था ना, मजा आया ना। बस गर्मी, भयंकर गर्मी है तो यहाँ पे कोशिश करो जिस दिन बहुत अच्छा वेदर हो उसी दिन आने की। वो हम आ गए हैं घर वापस। तो ऐसा था हमारा वैदिक पार्क जहाँ पे ओम था, राम जी थे, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं करने के लिए। हाँ। तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हो, बट जिस दिन थोड़ा मौसम अच्छा उसी दिन जाना। प्लस वहाँ पे घूमना तो है ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबली घूमना चाहिए। वो चीज़ों के ऊपर चढ़ना, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, दैट इज नॉट राइट कीवी। विद दैट इट्स अ रैप, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है या एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, आई लव यू ऑल।